हेलो गाइस, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होगे, आगे भी बढ़ रहा है। मैं हूँ आपका होस्ट विकास और लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए एक और न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे गाइस हमारे फ्री फायर में आने वाले नेक्स्ट मैजिक क्यूब अपडेट के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट मैजिक क्यूब अपडेट में जो है आप सभी को कौन कौन से नए बंडल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा। एंड साथ ही गाइस हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्पेशल मैजिक क्यूब अपडेट के बारे में, जिसके अंदर पुराने काफी सारे रेयर बंडल जो है दोबारा आप सभी को मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ऐसा वाला अपडेट कब आएगा वो भी आज के वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। तो भैया आज का वीडियो एंड तक देख लेना। एंड हां, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि गाइस हम आपके लिए ऐसे अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं एंड आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड बात कर लेते हैं रिडीम कोड के बारे में। तो गाइस आप लोग यहां पे रिडीम कोड देख सकते हो, ये भैया हमारे पैंटम बियर बंडल का रिडीम कोड। तो जल्दी जल्दी जाओ, जिसने भी रिडीम कोड को रिडीम नहीं किया अभी तक तो जल्दी जाकर के रिडीम कर लो, आज का टाइम है। एंड जो भी है बंदा यहाँ पर रिडीम करेगा ये सारे के सारे रिवॉर्ड जो है उसके अकाउंट में पहुंच जाएंगे मेल बॉक्स के अंदर, जो कि भैया कंफर्म हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मैजिक क्यूब बंडल्स के बारे में। सबसे पहले आप लोग यहां पे देख सकते हो रिवेंज फुल लेदर बंडल। तो यहां पे गाइस ये रहा सबसे पहला नया ड्रेस जो कि आप सभी को हमारे अगले मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि भैया बिल्कुल ही कन्फर्म हो चुका है। साथ ही गाइस एवेंज फुल लेदर भी, इसका जो फीमेल ड्रेस है वो भी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा एक साथ ही। साथ ही गाइस आप लोग यहाँ पे हमारा ये वाला गोल्ड रॉयल का बंडल देख सकते हो, जो कि भैया पिछली बार आया था हमारे गोल्ड के अंदर। तो ये बंडल भी आप सभी को जो है मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर देखने को मिल जाएगा। यानी कि गाइस टोटल तीन न्यू बंडल जो है आप सभी को हमारे नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो अगला मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट कब आने वाला है मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस 14 अप्रैल को जो है हमारे फ्री फायर में नया अपडेट यहां पे आने वाला है। एंड जब हमारे फ्री फायर में नया अपडेट आ जाएगा उसके बाद गाइस ये तीनों के तीनों न्यू बंडल जो है आप सभी को हमारे अगले मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो भैया न्यू ड्रेसेस की बात तो यहाँ पे हो गई, अब हम लोग बात करेंगे और कौन सी ड्रेसेस हैं जो कि आप सभी को जो है रिटर्न बैक यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड रिटर्न बैक आएंगी भैया मैजिक क्यूब स्टोर में, तो कब आएंगी वो भी आज के वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया मेरे भाई लाइक ज़रूर कर देना, एंड हाँ सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, क्योंकि 1,00,000 करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डंक मास्टर बंडल के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारा डंक मास्टर बंडल है ये एकदम बहुत ही ओपी बंडल है। एंड ये जो बंडल है बहुत पहले हमारे फ्री फायर के गोल्ड रॉयल में आया था, तो यहाँ पे ये वाला डंक मास्टर का जो बंडल है ये भी गाइस आप सभी को रिटर्न बैक देखने को मिलेगा हमारे मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर। साथ ही गाइस नाइट क्लाउन ड्रेस जो है भैया हमारा, नाइट क्लाउन मतलब समझ रहे हो ना, जोकर वाला ड्रेस जिसको काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो जोकर वाला बंडल भी आप सभी को रिटर्न बैक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भैया आर्टिक ब्लू के बारे में, आर्टिक ब्लू का क्या सीन यहाँ पे रहने वाला है आगे अभी आपको बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा स्ट्रीट बॉय बंडल के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रीट बॉय के बारे में। तो गाइस यहाँ पे जो स्ट्रीट बॉय बंडल है ये गाइस रिटर्न बैक आएगा, लेकिन आएगा वेब इवेंट के अंदर, जो कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही हैं। एंड नेक्स्ट अपडेट के बाद भैया समर विश इवेंट यहाँ पे आएगा, उसके अंदर गाइस आप सभी को जो है सारे के सारे रेयर ड्रेसेस यहाँ पे देखने मिलेंगे, जैसे कि भैया दिवाली विश इवेंट में देखने को मिले थे। एंड साथ ही गाइस जो जीप की स्किन है, ये जीप की स्किन भी गाइस गरेना जो है आपको किसी वेब इवेंट के अंदर ही प्रोवाइड करवाएगा। तो आप सभी को क्या लगता है ने यहाँ पे आर्टिक ब्लू एंड ब्रेक डांसर देगा मैजिक क्यूब में या फिर नहीं देगा, कमेंट करके जरूर बताना। एंड आखिर तक देखते रहना और भी आपके जो डाउट वगैरह हैं वो यहाँ पे भैया क्लियर होते जाएंगे। एंड हाँ गाइस पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था हमारे ये वाले ड्रेसेस के बारे में, जो कि भैया बिल्कुल ही कन्फर्म मैंने कर दिया है। एंड स्टार्टिंग के जो न्यू ड्रेसेस मैंने आप सभी को दिखाए हैं वो बिल्कुल ही कन्फर्म यहाँ पे हो चुके हैं। एंड वो जो ड्रेसेस थे गाइस वो आप सभी को कन्फर्म देखने को मिल जाएंगे हमारे अगले मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट में। इसी के साथ गाइस और भी कुछ पुराने ड्रेसेस जो कि आप सभी को रिटर्न बैक यहां पे देखने मिलेंगे। सबसे पहले घटिया ड्रेस आप लोग देख सकते हो, जो कि बहुत दिन पहले हमारे फ्री फायर के एक वेब इवेंट में आया था, जिसके अंदर गाइस आप सभी को लगभग 500 से लेकर के 600 डायमंड यहां पे लगाने पड़े थे। तो ये घटिया ड्रेस भी गाइस आ चुका है मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर। तो हो सकता है गाइस जो ड्रेस है गरेना अपन को वापस से दे सकती है मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट में। तो आप सभी को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। एंड साथ ही गाइस यहां पे हम बात करेंगे दो भूतिया ड्रेसेस के बारे में। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे हमारे बैल बनल के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन बैल बंडल। दूसरा वाला बैल मत समझ लेना जो घंटी रहती है, ठीक है, वही वाली की बैल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करेंगे एक भूतिया ड्रेस के बारे में। तो यहां पे बैल वाला बंडल भी आएगा, साथ ही जो भूतिया ड्रेस है ये भूतिया ड्रेस भी गाइस तुम लोग को यहां पे रिटर्न बैक देखने को मिलेगा मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर।
तो गैस काफी सारे बंदों का एक क्वेश्चन रहता है भैया कि पुराने बंडल आते हैं एंड रिमूव कर दिए जाते हैं, तो गैस मैजिक क्यूब की भी एक लिमिटेड टाइम है कि कोई बंडल को जो है गरीना यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम के लिए ही रखता है एंड टाइम खत्म हो जाने के बाद गैस गरीना जो है उस बंडल को यहाँ पे रिमूव कर देता है एंड उसके यहाँ पे गए जो डायमंड रॉयल के न्यू ड्रेसेस वगैरह रहते हैं वो गरीना अपन को यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है, जो कि आप सही कहा मैं बता रहा हूँ। एंड जो भी बंडल वगैरह आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिलेक्टेड बंडल में आपको दिखा रहा हूँ, जो कि गैस आप सही को समर इवेंट के टाइम पे जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड हाँ OB27 के बाद एक अपडेट आएगा मैजिक क्यूब का, उसके बाद एक और अपडेट आएगा समर इवेंट के टाइम पे। तो समर इवेंट के टाइम पे गए ये सारे के सारे जो बंडल आपको मैं दिखा रहा हूँ ये रिटर्न बैक आप सही को देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि दिवाली के टाइम पे मिले थे एंड दिवाली के टाइम पे तो गैस आप सही को गिफ्ट स्टोर भी देखने को मिला था। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए है तो कमेंट करके बता देना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मगर एंड बैनेट बंडल के बारे में, जो कि गैस रिटर्न बैक यहाँ पे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एंड इसकी डिमांड भैया सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसको यूज़ करते हैं भैया हमारे देसी गेमर साहब एंड यहाँ पे इसके अंदर जो एनिमेशन निकल कर आता है वो किसी भी बंडल के अंदर यहाँ पे निकल करके नहीं आता है एंड इसको भी भैया मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, मैं आपके मन की बात बताऊँ तो ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रेस है ये रिटर्न बैक ज़रूर आएगा, जब भी कोई अपडेट आएगा बड़ा वाला तो उसके अंदर गैस बैनेट बंडल जो है रिटर्न बैक ज़रूर से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दो खतरनाक ड्रेस के बारे में, जो कि गैस आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, तो एक है फीमेल का एक है मेल का, तो ये दोनों भी आएंगे। साथ ही गैस हमारे आर्टेक ब्लू का जो फीमेल ड्रेस है वो आपको देखने मिल जाएगा जिसका नाम है क्रिमसन रेड बंडल। तो गैस क्रिमसन रेड बंडल का जो फीमेल वर्जन है वो है भैया हमारा क्रिमसन, ठीक है। एंड साथ ही जो हमारा आर्टेक ब्लू बंडल है वो है इसका मेल वर्जन। एंड आपको तो पता ही होगा इन दोनों बंडल के अंदर गैस पेट में दिल दिखता है आपको, ठीक है। तो पेट में आप लोग फोकस करो आपके भैया यहाँ पे दिल दिखेगा, ठीक है। तो आपको एक बात यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, आर्टेक ब्लू बंडल का इनक्यूबेटर नहीं है, उसी के जैसे गए सेम बंडल जो है यो के इनक्यूबेटर में आए थे उसके बाद जो है गए अपन को यहाँ पे देखने मिला था आर्टेक ब्लू, जो कि आप सभी को शायद से अभी तक पता नहीं होगा। तो ये वाली बात जानकर के आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ जिसने यहाँ तक देखा है मेरे भाई वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो यार, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, 100K कंप्लीट करवाना है भैया थोड़ी सी हेल्प कर दे यार, शेयर कर देना, ठीक है। ये छोटा सा काम है कर देना यार, एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और एक एक शेयर से भैया बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है यार जल्दी जल्दी सभी के सभी भाई एक साथ कर देना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फीमेल जोकर के बारे में, जो कि भैया एक ही इंसान में दो मुंडी का काम करता है। तो भाई आप लोग देख लो फीमेल जोकर मेरा बहुत पुराना ड्रेस है फेवरेट वाला, लेकिन अभी इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। एंड जो सबसे फेवरेट है भैया वो है अपना नाइट क्लाउन बंडल, जो कि जोकर वाला है एंड जोकर वाला इनक्यूबेटर भी है तुम लोग को शायद से पता होगा, तो ठीक है। तो जोकर वाले बंडल भी यहाँ पे हैं एंड फीमेल जोकर भी है, अगर तुमको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं। तो फीमेल जोकर वाले जो बंडल हैं वो आप सभी को बहुत जल्द हमारे फ्री फायर में देखने को मिलेंगे। साथ ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे समुराय बंडल के बारे में, तो गाइस जो समुराय बंडल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये भी गाइस रिटर्न बैक गरेनापन को प्रोवाइड यहाँ पे करवाने वाली है, जो कि भैया आपको देखने को मिल जाएगा समर अपडेट के बाद। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे दो रेयर बंडल के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भैया एक खतरनाक ड्रेस के बारे में, जिसको अपन लोग बोलते हैं भैया पंक स्टार बनी बंडल। तो आप लोग यहाँ पे वाला बंडल देख सकते हो, तो ये जो बंडल है गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एंड हाँ मुझे पता है तुम लोग को ये वाला जो बंडल है ये भी जरूर अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो किस किस को अच्छा लगता है ये वाला ड्रेस कमेंट करके बताना। तो अब बात कर लेते हैं ये बंडल रिटर्न बैक आएगा मैजिक क्यूब में या फिर नहीं आएगा। तो गाइस ये जो बंडल है मैजिक क्यूब में रिटर्न बैक नहीं आएगा, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा भैया वेब इवेंट के अंदर, जिसके अंदर गाइस आप सही को लगभग 2 से लेकर 3 हजार डायमंड लगाने पड़ेंगे। तो आप लोग में से कौन कौन निकालना चाहेगा 2-3 हजार डायमंड में ये वाला ड्रेस कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वाला जिस वीडियो जिसने भी आखिर तक देखा है तो ये वाली बात जरूर सुनना, अगर भाई तुम लोग यहाँ पे 3 हजार रुपए के खुद के कपड़े खरीदोगे ना तो भैया तुम लोग के घर में कपड़े ही कपड़े हो जाएंगे एंड जितना गेम में पैसा लगा रहे हो उससे अच्छा भैया खुद का कपड़े लो अपने घर वालों के लिए कपड़े लो तो अच्छा रहेगा ज्यादा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे खतरनाक ड्रेस के बारे में इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक शॉक के जो बाल हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस हैं, क्योंकि इसके बाल भैया काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर यूज करते हैं, तुम लोग समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस वाले ड्रेस के भी काफी ज्यादा डिमांड है, तो ये वाले ड्रेसेस गाइस आप सभी को लक रॉयल के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि डायमंड रॉयल आता है तो वैसे ही लक रॉयल के अंदर गाइस आप सभी को हमारा इलेक्ट्रिक शॉक का बंडल देखने के लिए मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको यार अपडेट कमेंट करके बताना। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना शेयर जरूर करना, मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद गाइस। Captain Jack Sparrow.